दोस्तों कैसे आप सभी लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड से बड़ी आसानी से जो कि लोन ले सकते हैं, जो कि इस एप्लीकेशन से आपको 100% जो कि लोन मिलेगा। कहीं दूसरे जगह से आपको लोन नहीं दिया गया, लेकिन इस एप्लीकेशन में आपको 100% जो कि लोन मिलेगा। मैं आपको लाइव दिखा ही रहा हूँ, जिसे देख रहे हैं यहाँ पर मैं बहुत सारा यहाँ पर जो कि लोन ले चुका हूँ, जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से आपको करना है, अगर आपका सिविल स्कोर 0 है, ठीक है, फिर भी आप बड़ी आसानी से जो कि इस एप्लीकेशन से लोन ले सकते हैं। मैं आपको फुली स्टेप बाय स्टेप लोन लेकर दिखाऊंगा किस प्रकार से कहाँ पर क्या फिल करना होगा, जिससे क्या होगा बड़ी आसानी से आपका लोन जो कि अप्रूव हो जाए और बड़ी आसानी से इंस्टेंट यानी कि 2 मिनट में पैसा जो कि आपके बैंक अकाउंट में आ सके। इसके बारे में मैं फुली जानकारी दूंगा, तो वीडियो पूरे लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों यहाँ पर बता दूं, पैन और आधार होना चाहिए और सैलरी स्लिप की जरूरत है और नहीं बैंक स्टेटमेंट की जरूरत है। किस प्रकार से करना है सारा कुछ मैं आपको डिटेल बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो कर लेंगे शुरू, बट उससे पहले छोटा सा एक रिक्वेस्ट करता हूं, मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ बाजू वाले बेल आइकन घंटी को दबाएंगे, ऑल पे प्रेस कर देंगे, ताकि जैसे मैं और न्यू अपडेट लेकर आऊंगा तो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए आज का वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। जिस एप्लीकेशन के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है जो कि ब्रांच एप्लीकेशन, जो कि प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। अगर आप लोग 100% जो कि लोन लेना चाहते हैं, जो कि मेरा रेफर यूज करेंगे, जो कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है, लेना चाहते हैं तो आपको प्रोमो कोड कहाँ यूज करना है मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको लोन 100% जो कि मिल जाए। तो चलिए वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जैसे ही आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है, सपोर्टेड मान लीजिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको 3 डॉट का ऑप्शन, आपको यहाँ पर जो कि एक बॉक्स का आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस बॉक्स वाले पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से सारा कुछ आपको डिटेल जो कि दिया रहेगा, ठीक है, यहाँ पर प्रमोशन वाले जैसे कि आप देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे प्रमोशन वाले पर क्लिक करके प्रमोशन वाले जो कि मेरा कोड दिया गया है, जो कि स्क्रीन पर देख रहे हैं और डिस्क्रिप्शन में भी है, ठीक है, उस कोड को यहाँ पर सिंपल से आपको क्या करना है, कोड को डालकर अप्लाई कोड पर क्लिक कर देना है। इससे आपको क्या होगा कि आपको 100% लोन मिल जाएगा। कब इसको यूज कब करना है, इसको यूज कब करना है मैं आपको बता दूं, जब आप लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे सबसे पहले आपको यही काम करना है, तब जाकर आपका लोन अप्रूवल हो जाएगा। इस कोड को आप यूज करते हैं तो जो कि मेरा रीपेमेंट अच्छा खासा मैं करता हूं, ठीक है, जो कि मेरा सिविल स्कोर बढ़िया बना दिया गया है, जो कि ब्रांच एप्लीकेशन में जिससे मेरे कोड से आप यूज करते हैं, तो जो कि लोन आपको 100% जो कि मिल जाएगा मेरे के माध्यम से जाते हैं आप लोग, तो ठीक है। तो डाउनलोड करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको ओपन करना होगा, ठीक है, मेरा रेफर अगर आप यूज करते हैं तो आप लोगों को 100% जो कि लोन दिया जाएगा इस एप्लीकेशन से, ठीक है। ओपन वाले पर क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, आपको यहाँ पर लैंग्वेज जो कि सिलेक्ट कर लेना, तो मैं इंग्लिश ही रहने दूंगा। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे, कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन मिलता है जो कि लॉगिन और जो कि रजिस्टर्ड करने के लिए, ठीक है, उस पर आपको सिंपल से क्लिक कर देना है। यहाँ पर 2 ऑप्शन मिलेगा, अगर पहले से है तो ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे आई है ब्रांच अकाउंट, अगर नहीं है न्यू है तो आई एम न्यू टू ब्रांच अकाउंट, जो कि मैं नया क्रिएट करूँगा, तो नीचे वाले पर क्लिक करूँगा जो कि आई एम न्यू टू ब्रांच जो कि अकाउंट जो कि क्रिएट करूँगा, तो नीचे वाले पर मैं क्लिक करूँगा। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर एक अपना जो भी कंट्री होगा जो कि इंडिया का होना चाहिए आपको, ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर 2 ऑप्शन आपको मिलेगा जो कि मोबाइल नंबर से और फेसबुक से, ठीक है, तो मैं मोबाइल नंबर से लॉगिन करूँगा, तो आप लोग यहाँ पर अपना जो कि मोबाइल नंबर फिल करेंगे, वह मोबाइल नंबर जो कि आपके पास हो, जो कि ठीक है, उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, मोबाइल नंबर फिल करके जनरेट OTP किया तो OTP सेंड कर दिया गया जो कि आपके नंबर पर, उसके बाद OTP आ गया, ऑटो रीड करेगा, ठीक है, उसके बाद वर्किंग में चला जाएगा और वेरीफाई होकर, ठीक है, आगे की प्रोसेस में आ जाएगा, ठीक है, आपसे 1 से 2 मिनट आपको यहाँ पर वेट, यानी 1 से 2 सेकंड आपको वेट करना है। उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जो कि लोन बैलेंस जो कि 0 आप देख रहे हैं, इसके बाद सिंपल से सिविल स्कोर एक नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा है, उस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर अपना नाम देंगे, पैन नंबर देंगे, डेट ऑफ बर्थ देंगे और सारा कुछ आपको इस तरह से फिल करना होगा, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ, नाम, पैन, एड्रेस होगा, जो भी आपका डिटेल होगा यहाँ पर आपको फिल करना होगा, फिल करने के बाद कंटिन्यू आपको क्लिक कर देना होगा। तो चलिए सारा कुछ मैं यहाँ पर फिल कर दिया, कंटिन्यू करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, टर्म कंडीशन आपको एक्सेप्ट करना है, अलाउ टू एक्सेस वाले पर क्लिक करेंगे, उसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जो भी आपका सिविल स्कोर है जो कि यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर एक OTP और सेंड किया जाएगा जो कि आपके रजिस्टर नंबर और जीमेल आईडी दोनों पर सेम OTP जाएगा, तो दोनों में से किसी एक का जो कि आप OTP यहाँ पर फिल कर देंगे। मोबाइल नंबर वाला OTP जो कि यहाँ पर फिल कर दिया हो, जो कि यहाँ पर वेरीफाई होने लगा है, ठीक है, उसके बाद जो भी मेरा सिविल स्कोर होगा जो कि यहाँ पर शो कर दिया जाएगा, जैसे कि सिविल स्कोर क्रिएट हो रहा है, जिसकी देख रहे 652 मेरा सिविल स्कोर है, इस पर लोन मिलता है या नहीं, जैसे कि आप देख लीजिएगा। उसके बाद होम वाले पर आ जाएंगे, यहाँ पर आप देख रहे हैं सिविल स्कोर शो कर रहा है, उसके जस्ट बगल में जैसे कि देख रहे हो लोन का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ पर आपको मैं बता देना चाहता हूँ स्टार्ट योर लोन एप्लीकेशन जैसे देख रहे हैं, इस पर हमको क्लिक कर देना है।
जैसे क्लिक करते तो कुछ यहाँ पर परमिशन मांगी जाती है, इसको अलाउ कर देंगे, अलाउ एक्सेस वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे अलाउ एक्सेस पर क्लिक करते हैं तो कुछ आगे की प्रोसेस जाएगा, यहाँ पर SMS कॉल फोन लोकेशन सर आप कुछ आपको डिटेल लिया जाएगा, तो सभी पर अलाउ आपको कर देना है, ठीक है। जब तक अलाउ नहीं करेंगे जो कि आपका लोन वेरीफाई नहीं हो जाएगा। अगर आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग 100% लोन लेना चाहते हैं तो मेरा जो कि रेफरेंस कोड यूज करेंगे, क्योंकि मेरा अच्छा खासा यहाँ पर सिविल स्कोर, यहाँ पर मैं आधार कार्ड से लेना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं आधार कार्ड ही यूज करूँगा। यहाँ पर आधार कार्ड को आपको कैप्चा करना होगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं आधार कार्ड का जो कि कैप्चा फ्रंट बैक दोनों अपलोड करूँगा। देखिए मेरा इस एप्लीकेशन में अच्छा रेफरेंस बना हुआ है, तो मेरा प्रोमो कोड यूज कीजिए, इससे आप लोगों को 100% जो कि लोन दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अपने आधार कार्ड को इस तरह से कैप्चा करना है, जो कि दोनों साइड आपको कैप्चा करना है, बैक और फ्रंट। चलिए मैं जो कि फ्रंट जो कि कैप्चा कर चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद जस्ट सबमिट पर क्लिक कर देंगे, सही से ले लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, उसके जस्ट बाद हम जो कि बैक वाले जो कि लेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं सिर्फ और सिर्फ बैक वाला फोटो अपलोड किया, उसका यहाँ पर संबित वाले पर हम क्लिक करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर पैन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पैन कार्ड का डिटेल पहले ही आपसे ले लिया गया है जो कि, और इस तरह से अपना एक सेल्फी आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। जैसे सेल्फी अपलोड करेंगे उसके बाद संबित वाले पर क्लिक कर देंगे। जैसे संबित वाले पर क्लिक करते हैं तो आगे की प्रोसेस में आ जाते हैं, जो भी आपका डिटेल होगा ऑटो रीड करेगा। यहाँ पर टर्म कंडीशन एक्सेप्ट करना है, कंटिन्यू वाले पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना बैंक जो कि सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक हो, ठीक है। तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी बैंक है, सारे जो कि बैंक में पैसा प्रोवाइड करते हैं, सारे बैंक डिटेल कर लेंगे, उसका अकाउंट नंबर नीचे टाइप कर देंगे। उसके बाद संबित वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे संबित वाले पर क्लिक करेंगे जो कि इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि ग्रो विथ ब्रांच, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो कि हमें जो कि यहाँ पर दिया जा रहा है, जो कि 2 लाख तक की जो कि लिमिट दिया गया है, तो हम लोग बड़ी आसानी से यहाँ पर 2 लाख की लोन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो यहाँ इतना भी ले सकते हैं, अनलॉक ब्रांच प्रो पर क्लिक करके ले सकते हैं, लेकिन हमें 1285 अमाउंट लेकर आप लोग को लाइव दिखाना है, इसलिए मैं इतना ही लूँगा। इस पर 1250 वाले पर सिलेक्ट करके कंटिन्यू वाले पर हम क्लिक करते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आप लोग को लाइव दिखाना है। उसका टर्म पूछेगा कि आप कितने दिन में रीपेमेंट करना चाहते हैं, 31 दिन या 62 दिन, यानी कि 2 महीने या 1 महीना, तो मैं 31 दिन वाले सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद कंटिन्यू वाले पर क्लिक कर देंगे। जैसे कंटिन्यू वाले पर क्लिक करते हैं तो आगे जो कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर सारा कुछ प्रोसेस आप देख लेंगे, GST फी कितना लगा, प्रोसेसिंग फी कितना लगा, इंटरेस्ट रेट कितना लगा। यह बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन, यहाँ से कम रेट में आपसे पैसा जो कि लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद सारा कुछ देख लेंगे, उसके बाद अप्लाई वाले पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अप्लाई वाले पर जैसे क्लिक करते हैं तो कुछ उसके बाद जस्ट आ जाएगा आपको थैंक यू फॉर अप्लाइंग फॉर ए लोन, जो कि आपको जो कि कंग्रेचुलेशन करेगा, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में जो कि पैसा आ जाएगा। मैं आपको लाइव यहाँ पर जो कि दिखा रहा हूँ, जो कि मेरा लोन एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, इसे देख रहे हैं कि मेरे अकाउंट में जो कि यह पैसा 1114 रुपये आ चुका है। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं जो कि 1114 रुपये जो कि मेरा अकाउंट में जो कि यह पैसा आ चुका है, जिसकी रिसिप्ट अगर कन्फर्म रिसिप्ट ऑफ लोन वाले पर क्लिक करके इसे रिसिप्ट हम ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद रिसिप्ट वाले पर क्लिक करके आपको मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितना आपको रीपेमेंट करना होगा, ठीक है। इसके बाद जैसे देख रहे हैं 1288 रुपये हमको पे करना होगा। इस तरह से बड़ी आसानी से आप लोग जो कि लोन ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा दोस्तों, सारा कुछ मैं आपको डिटेल बता दूँ, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर मैं आपको दिखा दिया हूँ किस प्रकार से लोन के लिए अप्लाई करना है और कैसे अकाउंट में आएगा, सारा कुछ मैं आपको डिटेल बता दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं आपको लाइव सारा कुछ करके बता दिया हूँ। अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अच्छे अच्छे जानकारी आपको मिलता रहे, ठीक है। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में किसी अदर जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप हमें दे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए मेरा फास्ट और वीडियो में इसी तरह लास्ट तक आपको बने रहने के लिए तहे दिल से थैंक यू।